प्रीत डुगरी वालों ऑनलाइन लुधियाना चैनल नाल जुड़े सारे दोस्तों नूं सत श्री अकाल। दोस्तों जिवें कि पिछली वीडियो च असीं चमकीला जी दे अखाड़िया दे बारे गल कीती सी ते अज जिक्र करदे हां जिवें कि टाइटल दिता गया है चमकीला जी अमरजोत जी बारे कुछ सच्चियां गल्लां बातां जो कि अमरजोत दे आखिरी बोल किताब च सत्ता सतनोर जी दे हिसाब नाल जो किताब विच लिखिया गया है वह पढ़ के सुनाउंदा हां। अमरजोत एक महान गायिका भी बनी पर उसने कला बारे कदे हंकार नहीं किया। उसने कदे ये नहीं समझिया कि मैं इन्नी वड्डी गायिका हाँ। वह कहती हुंदी सी कि मैनू गाना आउंदा ही नहीं, वह बस अपने कम्मा विच ही लगी रहिंदी सी। स्टेज ते दो घंटे प्रोग्राम ते वह ऐसा गाना गाउंदी सी ते ताड़ी मारदी सी कि लोग उस वाल वेखदे रह जांदे सन। उस समय लोग चमकीले नाल सिर्फ अमरजोत नूं ही सुनना पसंद करदे सन। उस समय अमरजोत दा भरा पप्पू साडी गड्डी दा ड्राइवर सी। उस समय माहौल खराब होने करके मैनूं डर हुंदा सी कि कहड़ी घड़ी बस प्रोग्राम खत्म होवे ते असीं गड्डी 'च बह जाइए। अमरजोत कोल कापी ते पर्स हुंदा सी ते उह चमकीला जी नाल जल्दी जल्दी गड्डी 'च जा के बह जांदी हुंदी सी पर सानूं साज बैग 'च पाउण लगे समां लग जांदा सी। इस करके मैं कपड़े वाले बैग दे उपर ही ढोलक रख लैंदा सी तां कि प्रोग्राम खत्म होण ते गड्डी तक जल्दी तो जल्दी पहुँचा जा सके। एक बार अखाड़े समय एक बंदा मैनू गीत की फरमाइश लिए आख रहा सी कि तू चमकीले नू कह कि वह टकुए ते टकुआ खड़के दो गाना सुना देवे। पर जदों चमकीले ने अंत तक उसके गीत की फरमाइश पूरी नहीं की तो उस बंदे ने अखाड़ा खत्म होन दे मेरे बैग की रस्सी फड़ ली पर मैं भज के ढोलकी गड्डी विच सुट्टी ते चमकीले नू गुस्से विच बोलिया तुसी मैनू एदा मरवा देना किसे दिन जे मैं उहदे हाथ आ जांदा तां फिर। ये गल सुन के अमरजोत उसे वेले आखन लगी अमर तुसी गीत सुना देना सी जे कोई उत्थे नुकसान हो जांदा तां फिर। एक बार असीं मेहता चौंक तो बटाला रोड ते एक प्रोग्राम करके आए सी। आउंदे समय साडे मगर एक फीएट कार लग गई सी। अमरजोत जी ने सानू दस्या कि लगता साडी कार दा कोई पिछा कर रहा है। इस गल ते चमकीला जी मैनू आखन लगे सत्ते देख मगर टायर च हवा ठीक है। मैं आख्या भाजी हवा तो ठीक है पर पिछे लगता कोई बंदे आ रहे हैं ते उन्हां कोल असला भी है ते लगता वह सानू रोकण लई हाथ भी मार रहे हैं। ये सुन के 10 किलोमीटर तक पप्पू ने गड्डी इन्नी भजाई कि उन्हां दी गड्डी लागे ही नहीं लगन दित्ती। फिर जदों साडे मूहरे कोई आ गया तां उन्हां फीएट साडे अगे लिया के खड़ी कर दित्ती। असीं डर गए कि हुण नहीं बचदे। उन्हां चों इक बंदे ने आवाज़ मारी कि चमकीले बाहर आ तेरा अखाड़ा खत्म होया ते असीं उसे वेले आ गए सी पर तुसीं चले गए असीं तां तुहानूं मिलण आए हाँ। मैं आख्या साडे तां सरदार जी हुण साह 'च साह आया। वो चमकीले नू 10,000 रुपये दे के चले गए ते कह गए कुछ सारे जने कुछ खा पी लियो। जदों अमरजोत की जगह हरनीत नीतू अखाड़े ते चमकीले नाल जान लग पई सी तां किसी ने पप्पू नू दस दिता सी कि तेरी भैन अमरजोत का पत्ता कट्टिया जाना। इस करके अमरजोत अपना छोटा मुंडा फरीदकोट छड के छेती प्रोग्रामा ते आ गई सी। कई बार साडे प्रोग्राम खराब भी चले जांदे सी। एक बार जदों चमकीला ते हरनीत नीतू दा मैरिट प्रोग्राम सी उदों मैं भी उन्हां दे नाल सी। ये प्रोग्राम मिलिट्री वालियां ने करवाया सी उस समय ते पक्के हुंदे हन पर उस दिन असी इस प्रोग्राम ते समय तो 1.5 घंटा लेट पहुँचे सी। साडा ये मैरिट वाला प्रोग्राम इन्ना वधिया नहीं रहा सी। उदों मिलिट्री वाले सानू आखदे सी तुसी लेट आए तुहानू पिट्ठों लाउणा अज चमकीले तैनू सज़ा देनी सी पर सज़ा देण दी बजाय फौजियां ने गीत की फरमायश की सी। उत्थे 2 गीत ही बस गाए सन चमकीले ते हरनीत नीतू ने। एक सी तलवार मैं कलगी धरदी हाँ ते दूजा करनल दे कहन ते कोई लै चलिया मुकलावे। एक बार बाहर प्रोग्राम ते प्रमोटर ने कहा सी पहला धार्मिक गीत गा के फिर तुसी हासा खेडा शुरू करना पर उत्थे 2 सरदार जिन्हां केसरी पग्गा बनिया हुई सन वो इस गल ते अड़ गए कि चमकीले तू सिर्फ धार्मिक गीत ही गाने हैं पर अमरजोत ते चमकीला कोल इन्ना मैटर ही है नहीं सी। फिर प्रमोटर ने बाउंसर बुलाए ते वो बंदे बाहर गए। फिर असी 1 घंटा 2 गाने गाए। एक बार गुरुद्वारे प्रोग्राम दे डालरां दा ढेर लग गया सी पर चमकीला उन्हां डालरां नूं नाल नहीं लै के आया सी। उत्थे उन्हां ने चमकीले ते दस्तार सजाई सी ते आख्या सी कि इत्थों वादा करके जा कि हुण वधिया गीत गावेंगा पर चमकीला आखन लगा
मैं कोई ਉਹ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਏ ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਗੀਤ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਖਾਤਰ ਗਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਮਕੀਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਮਰਜੋਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਚੇ ਸੱਤਾ ਸਤਨੋਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਤਮਾਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੁੜੀ ਸ਼ਕਲੀਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਔਨਲਾਈਨ ਲੁਧਿਆਣਾ।